बिल्कुल डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंख भर के भी देखा तो उसकी आंखें नोच लूंगा मैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। सिर्फ तुम्हें पहचानना है कि वो आदमी कौन है। इतना याद रखना कि जिसने तुम्हारी जान बचाई है वो खूनी भी है, कानून की नजरों में मुजरिम भी है। देखो लड़की को कैसे देखता तू? इसे गौर से देखो, इसने 3 मासूम लड़कियों का बलात्कार भी किया है। इनमें से कोई भी नहीं है क्या? जी नहीं। तीसरी बार तुम्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। जिन जन पर पुलिस को शक है उन सबको तुम्हारे सामने पेश किया गया है और तुम कहती हो कि इनमें से कोई भी कातिल नहीं है। अगर इनमें से कोई कातिल है ही नहीं तो मैं क्या करूं? ऐसे ही किसी को पहचान लूं? वो कातिल यहां है नहीं, या उसे तुम पहचानना नहीं चाहती हो? आप जो भी समझिए, उस रात जिसने मेरी इज्जत बचाई थी मेरे लिए वो भगवान था। इंस्पेक्टर साहब, क्या बात है? आज यहाँ कैसे? कहीं चंदा वंदा मांगने तो नहीं आए? इनमें से किसी को पहचानते हो? कौन है? ये वो लोग हैं जिनका कल रात कार पार्किंग में मर्डर हुआ था। इनमें से एक की जेब में तुम्हारे क्लब का कार्ड मिला। मेरे क्लब में आने वाले लोगों को ये कार्ड्स मुफ्त दिए जाते हैं। तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो? एक बात कहूं, तुम जैसे समझदार लोग कोई ना कोई ऐसी छोटी गलती कर बैठते हो जो कानून के लिए बहुत बड़ी हो जाती है। इंस्पेक्टर साहब, आपके कानून से कोई अजनबी नहीं हूं मैं। बहुत पुरानी जान पहचान है मेरी इससे। अब तक 4 बार गिरफ्तार किया जा चुका हूं मैं और हर बार खून के इल्जाम। आखिरी मरतबा एक सब इंस्पेक्टर के खून का इल्जाम लगाया गया। कहीं ऐसा ना हो कि 5वीं मरतबा कोई हाथ नहीं लगाएगा इन्हें। किसी दिन नाइट ड्यूटी के वक्त किसी अंधेरी सी गली में मैं खुद इनसे मुलाकात करूंगा। उम्र के हिसाब से हाथों में काफी दम लगता है। ये दम मेरे हाथों को मेरी ईमानदारी ने दिया है और एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अपना वसीयतनामा बनाकर रखो, क्योंकि मौत किसी भी वक्त तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटा सकती है। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मैं जेल में था तो हर हफ्ते कोई फोन करके मेरी खबर लिया करता था कि मैं कैसा हूं, कब रिहा होऊंगा। कल तक मैं समझता था कि वो मेरे बाबूजी थे,
लेकिन आज पता चला कि वो आप थे। हाँ हाँ वो मैं था, वो मैं ही हूँ जो पिछले 4 साल से तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपने हाथों से तुम्हारे किए की तुम्हें सजा दे सकूं। देखो देखो क्या हाल बना दिया तुमने मेरी फूलसी बच्ची का। आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। आप विश्वास करें या ना करें, आपकी बेटी का दोषी मैं नहीं। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। और होगा भी नहीं। आपकी बेटी होश में आकर जिस दिन इस बात का इकरार करेगी कि ये गुनाह मैंने नहीं किया, तब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे मारकर आप अपनी बेटी को बचा सकते हैं तो ये लीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अगर इस दुनिया में भगवान है तो आपकी बेटी अपनी नींद से जरूर जागेगी, और उस दिन अगर उसने मेरी बेगुनाही का सबूत दे दिया तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर सकेंगे? घुसे कैसे? निकलो यहां से वरना पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस? छोड़ो मुझे। मैंने तो सुना है कि पुलिस का कहा तुम बिल्कुल नहीं मानती, वरना पुलिस लाइनअप में खूनी को बराबर पहचान लेती है, झूठ नहीं बोलती। बाबा अब ये बताएगी कि वो हरामजादा था कौन? बोल 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 बोल। देखो मैं नहीं जानती वो कौन। बाबा ये तो गिर गई। तुम खुद को इस तकलीफ से बचा सकती हो अगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। उस रात जिस लड़के ने तुम्हें बचाया वो कौन था? मैं उसे नहीं जानती, मैंने उसे कभी पहले नहीं देखा। मैं जानता हूं तुम सच बोल रही हो, पहले तुम उसे जानती नहीं थी मगर अब तो पहचानती हो, यही है ना? ये नहीं है। अब तुम झूठ बोल रही हो और झूठ बोलने वाले लोग हमें अच्छे नहीं लगते। देखा इसे इतना मार कि सच बोलने लगे फिर भी नहीं माने तो उठाकर नीचे फेंक दो। मैं नहीं जानती, छोड़ दो मुझे, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानती, कुछ नहीं जानती मैं। जाने से पहले एक बार कंफर्म कर लो कि वह लड़की जिंदा या मर गई, और हाँ पब्लिक के बीच में खतरा उठाने की जरूरत नहीं। ओके। जिसकी तुम्हें तलाश है उसका पता मैं जानता हूं। कैसेट्स? ये जंग मेरी नहीं
उन बहनों की, उन औरतों की है जिनकी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम लोगों ने। तेरी सबसे बड़ी जागीर वीडियो कैसेट्स थे ना, सब मेरे पास है, अगर चाहिए तो आकर ले जा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अजय चौहान। ठीक है भाई, इस बात की खबर फौरन बाबा को करनी चाहिए। अपनी कमजोरी बताऊं अपने पार्टनर्स को, अगर उनको पता चल गया कि कैसेट्स मेरे पास नहीं है, सबसे पहले वो मुझे गोली मार देंगे। ये कैसेट्स मुझे किसी ना किसी तरह हासिल करने होंगे।
औरतों का हमदर्द, अबलाओं का मसीहा। बाबा क्या बात है मोनिया, बड़े परेशान नजर आ रहे हो। बात ही कुछ ऐसी है बाबा, टीका बहुत प्रॉब्लम में है। ये देखिए मुझे उसके घर से क्या मिला। हमने बहुत बड़ी गलती की है मोनिया, बहुत बड़ी गलती। हमने अजय को समझने में नासमझी कर दी है। तुम फिक्र मत करो बाबा, समझ लो कि अजय मर गया। वो शहर में जहां भी होगा मैं मौत बनकर वहां पहुंच जाऊंगा। गोपाल कहाँ है? मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए खाना लाने भेजा है, आता ही होगा। लो आ गया। ओ ब्रदर जल्दी करो, बहुत भूख लगी है। वहीं पे खड़ा रहे दे, तेरा दोस्त तेरा। मोनिया मैं बात कर रहा हूं, मैं पब्लिक मीटिंग में जा रहा हूं। क्या बाबा, इसका मतलब आप यहां नहीं आ रहे? नहीं मोनिया, पब्लिक मीटिंग में जाना बहुत जरूरी है। और हां याद रखना, उस हरामजादे ने डेका को मारा है। ऑल द बेस्ट। मैंने कहा ना बाबा आप फिक्र मत कीजिए, इसके लिए तो मैंने बहुत मजेदार चीज मंगवाई है। अच्छा अच्छा, ऑल द बेस्ट पब्लिक मीटिंग के लिए, हां गुड बाय। अब तो तुम तीनों को समझ में आ गया होगा कि अगर हमारे वो कसेस हमें नहीं मिले तो तुम तीनों के साथ क्या होगा। तू अपना वक्त बर्बाद कर रहा है, मार दे मुझे, अगर मैं बच गया ना तो तेरी मौत निश्चित है। इतनी जल्दी क्या है बेटे? मरना तो तुझे है ही, इसे तो मरना है ही। अब मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि वो कसेट्स बनते कैसे हैं। मैं इस लड़की के साथ एक कैसेट बनाऊं। तुझे मेरे साथ जो करना है कर, लेकिन लड़की को छोड़ दे। लड़की को छोड़ दे। ए ये ले, ये जहर इसे पिला दे, या तो ये जहर पिएगा या तो फिर ये लड़की अपने कपड़े उतारेगी। वैसे ही करूंगी, अगर उसे छोड़ दो प्लीज। नहीं रे, तू कुछ मत करना। तुम्हें मेरे प्यार की कसम, तुम्हें मेरे प्यार की कसम। हाय हाय, क्या इश्क है। डाल डाल।
वहां जाके उनको बता दूंगी उनके माते पिता कलंक अपने अजय ने अपने खून से धो दिया। मां नहीं जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अजय मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी।